निर्जला एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु के निमित्त रखा जाता है। कहा जाता है कि ये व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। इसमें पूरे व्रत के दौरान एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं किया जाता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा और पारण 22 जून को होगा। निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक बार भीम ने व्यास जी से कहा कि हे पितामह, भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, किंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी विचार कर कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा सुनकर भीमसेन घबरा कर कांपने लगे और व्यास जी से कोई दूसरा उपाय बताने की विनती करने लगे। कहते हैं कि ऐसा सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। इस एकादशी में अन्न तो दूर जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत टूट जाता है। इस एकादशी में सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है, यानी व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। व्यास जी ने भीम को बताया कि इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान ने बताया था। ये व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। तब भीम ने व्यास जी की आज्ञा का पालन कर निर्जला एकादशी का व्रत किया था।